इस तरह की तकरीबात होना ही ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि जब तक हम एजुकेशन के मुतालिक अवेयरनेस नहीं देंगे तब तक हम अपने मासेस को नहीं बता सकते कि आपके पास कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। और ये मेरा हाल है, ये कार्य खैर है, एजुकेशन देना तो वैसे ही कार्य खैर है। और जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं, जब इस तरह के बुक फेयर्स लगते हैं, जब इस तरह के जॉब फेयर्स लगते हैं, तो उससे कम्युनिटी का बहुत फ़ायदा होता है और अवेयरनेस मिलती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक आप अवेयरनेस नहीं देंगे, आप जितना मर्जी अच्छा काम कर रहे हो अगले को पता नहीं चलता। तो आई अप्रिशिएट व्हाट दे आर डूइंग और तमाम कम्युनिटी को इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बहुत शुक्रिया जी, आपने यहाँ पर विज़िट किया और बच्चों के हौसलों को बढ़ाया। इस तरह के इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। किताब से रिश्ता जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुनक़ता होता जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ये किताबी मेले लगते हैं, बच्चों के अंदर एक दिलचस्पी पैदा होती है और जिसकी वजह से बच्चे जो है वो उमंड के, इस वक्त मैं देख सकता हूँ यहाँ पर बहुत रश है बच्चों का, स्टूडेंट्स का, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स के बच्चे आए हुए हैं और रोबोटिक्स के यहाँ पर जो है वो ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने मॉडल्स सजाए हुए हैं। तो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए क्योंकि हम लोग जो है पढ़ाई के अंदर बच्चों को धकेले रखते हैं, इस तरह की हम निसाबी सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे आकर काफ़ी अच्छा लगा है, बहुत अच्छी आगाही है, बच्चे हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, जो स्टूडेंट्स हैं देखने की बड़ी तादाद हमें नज़र आ रही है। और मुझे तो सबसे जो यहाँ पे अच्छी चीज़ ये नज़र आई कि बुक स्टॉल पे बच्चों का रश है, वो किताबें ख़रीद रहे हैं और इससे ये अच्छा होगा कि उनके अंदर रीडिंग की जो हैबिट है वो बढ़ेगी और इजाफा होगा। आज नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट ने डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को मौका दिया कि हम अपना पावर शो, अपना डिस्प्ले ऑडियंस को दिखा सकें। क्लेम किया गया कि 5 लाख से ज़्यादा अफराद इस एक्सपो में विज़िट करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि बहुत से कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स से बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं और दिलजोई के साथ डिफरेंट स्टॉल्स देख रहे हैं। हमने जो स्टॉल अपना प्रेजेंट किया है, इसमें बच्चों के लिए गेम्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं और कुछ एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है, जिससे कि पेरेंट्स को देख के अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। डार मोटर स्टील से एज ए ब्रांड मैनेजर हूँ इधर। जैसा कि आपको पता है कि जो दो कमी नज़रिया था उसने पूरे बर्रे सगीर की एक हैसियत ही बदल के रख दी, पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली और मज़हबी तौर पे। जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद इसी चीज़ को लेके नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट जो है इसने बहुत ज़्यादा काम किया और इस फॉर्मेट को इसने बहुत जगहों पर प्रमोट किया। हमारी नई जनरेशन जिसको इसके बारे में नहीं पता था उसमें इसको उजागर कराया गया। इसी सिलसिले में ये जो एग्जीबिशन उन्होंने अरेंज की हुई है, इसमें उन्होंने स्कूल्स के बच्चे, इंस्टीट्यूट्स के बच्चे वो इनवाइट किए हुए हैं ताकि उनको पता चल सके कि पाकिस्तान के अंदर अब कौन कौन सी इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, कौन कौन सी फर्म्स काम कर रही हैं। हमारा इदारा जो है मॉडल स्टील, बेसिकली तो हम स्टील बार्स बनाते हैं। हाँ जी, मैं जैसा कि आपको पता है कि हम स्टील बार्स बनाते हैं, ये एक हार्ड प्रोडक्ट है, लेकिन इसके साथ हम बहुत से सॉफ्ट जो है काम वो भी करती हैं ताकि एक माशरे में अच्छा उसको इमेज दिया जा सके। इसी सिलसिले में हम लोगों ने जो एक MM फाउंडेशन बनी हुई है हमारी, उसके नीचे राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, इलम फातमा मस्जिद, MKY मेंटोरशिप ऑर्गेनाइजेशन, MKY इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस मॉडल जो है एकेडमी एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो हमारे चलते हैं, मॉडल स्पोर्ट्स अकेडमी है हमारी, फिर हमारी बख्तावर जो है स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स जो है ये है। तो इसके साथ साथ हम लोग जो है बिलीव इन पाकिस्तान, ये हमारी एक एसोसिएट फर्म है, इसके साथ साथ हम लोग जो है अपना एक मैगज़ीन निकाल रहे हैं मॉडल मैग, जिसमें वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक और दूसरे जो हॉट इश्यूज़ हैं उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो इधर आने का मकसद भी ये है ताकि लोगों को हम बताएँ कि हम भी दूसरे जो है स्टील के साथ साथ सोशल वर्क और दूसरे जो फ्लाई काम है वो भी कर रहे हैं। देखते रहिए हमारा चैनल पाक 360, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।